हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गिक्स फ्रिक्स। कैसे हैं आप सब? तो लेकर आया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त फोन का रिव्यू। सॉरी, आज का वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया और आज का रिव्यू जो है वो है आईफोन टेनिस मैक्स का रिव्यू हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले की। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो इधर आपको एक बहुत एक प्रीमियम डिज़ाइन मिलता है, जहाँ पर आपको ग्लास बॉडी मिल जाती है, डस्ट प्रूफ डिज़ाइन मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो है इधर से आपका होम बटन हटा दिया गया है। सिम ट्रे जो है दोस्तों, आपको एक सिम ट्रे दिया जा रहा है, लेकिन इस मॉडल में यूज़ किया जा रहा है ई सिम, मतलब एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप जो अपना सेकेंड सिम होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इसकी जो कलर आती है दोस्तों, वो गोल्ड, सिल्वर और ग्रे में, स्पेस ग्रे में आ रही है इस फोन का कलर। और इसकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको इधर 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले मिल रहा है। कहा जा रहा है कि डिस्प्ले का बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया गया है डिस्प्ले में, जहां पर आपको नॉच मिलती है, बेजललेस डिस्प्ले होगी। दोस्तों जो नॉच है, अगर आप फोटो में भी देखेंगे तो नॉच को एक तरीके से छुपा दिया जाता है कि एप्पल का जो मतलब होम बैकग्राउंड है, डिफॉल्ट होम बैकग्राउंड, उससे नॉच दिखा नहीं जाता है। अगर आप पिक्चर में भी देखेंगे तो नॉच आपको दिखता नहीं है, लेकिन नॉच है दोस्तों इस मोबाइल में, जहां पर फ्रंट कैमरा और कुछ फेस आईडी वगैरह सेंसर्स इंक्लूड किए गए हैं। जो OLED डिस्प्ले है दोस्तों, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 1242x2688 पिक्सल्स, जिसकी एस्पेक्ट रेशियो है दोस्तों 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो लेकर ये डिस्प्ले चलता है। कहा जा रहा है कि ये फ़ोन जो है बहुत ही वाइब्रेंट डिस्प्ले के साथ आता है आपके पास, जहां पर आपको कुछ होम बटन नहीं मिलते हैं, लेकिन साइड पर आपको कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूट बटन मिलते हैं। फिर दूसरे जब आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना होता है तो आपको पावर और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो इस तरीके के कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाए गए हैं एप्पल टेनिक्स मैक्स में। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में ये फ़ोन ज़बरदस्त है दोस्तों। यहाँ पर चिपसेट यूज़ किया गया है, एप्पल का जो A12 बायोनिक चिपसेट है वो यूज़ किया गया है। कहा जा रहा है कि ये A12 बायोनिक जो चिपसेट है वो आज तक का सबसे सबसे ज़्यादा डेवलप चिपसेट है। इसके साथ साथ आपको इधर जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है हेक्साकोर प्रोसेसर, और आपको इधर आर्किटेक्चर जो है GPU भी बहुत ज़बरदस्त GPU मिल रहा है, और रैम मिल रहा है आपका 4GB का, एप्पल का 4GB का रैम, मतलब आप सोच सकते हैं कि दूसरे मोबाइल का 8GB का रैम के बराबर है। हाँ जी दोस्तों, 4GB का रैम एप्पल का बहुत पावरफुल होता है, और जहां पर आपको एक चिपसेट मिलता है A12 बायोनिक से, और GPU जो है ग्राफिक्स का एप्पल GPU 4-कोर ग्राफिक्स, तो बहुत ही वो एक पावरफुल फोन होगा। लैग की तो कोई गुंजाइश नहीं, जब तक कि आप एप्पल दूसरा मोबाइल ना लॉन्च कर दे अपने सीरीज का, और इस मोबाइल को वो एप्पल मतलब अपनी इच्छा से इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट देके ये मोबाइल स्लो ना कर दे। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनल मेमोरी की। तो इंटरनल मेमोरी आपको मिलता है 500 something GB का इंटरनल मेमोरी, जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। हाँ दोस्तों, इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब आपको 500 के अबव इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है तो उसको एक्सपेंड करने की मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि स्टोरेज बहुत है और आपको इतना स्टोरेज का साइज ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, जबकि क्लाउड सपोर्ट है और दूसरे सभी चीज़ों को आप इजीली बैकअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरे की। कैमरे में आपको फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिससे आप HD+ Full HD+ वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रियर पर आपको 12+12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आप पोर्ट्रेट मोड पे ब्लर बैकग्राउंड फोटोज ले सकते हैं, जिसको आप रियर से भी आप ले सकते हैं। अगर हम आप रियर में बात करें तो आपको रेटिना फ्लैश मिल जाता है, और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे रियर से तो आपको जो Full HD+ जो है 1920x1080 pixels का वीडियो आप 30 FPS पे इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इधर शूटिंग मोड में दिया जा रहा है कंटिन्यूअस शूटिंग और ब्रश शूटिंग, और फिजिकल एपर्चर जो होगा वो होगा f2.2 का, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी पिक्चर्स देने में मदद करेंगी। तो कैमरे में इसकी बहुत सारा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है, और कैमरे के साथ साथ दिया जाता है आपको एक उधर एक माइक, जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय, अगर हम जैसे यूट्यूबर अगर वो सब मोबाइल को यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड करें तो मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नल माइक की कोई ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर में बैटरी की। तो बैटरी की बात करें तो इधर आपको मिलता है 3174 mAh की बैटरी, जो कि है रियल आपका 3174। तो आपको बैटरी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप गेमिंग कीजिए, मल्टीटास्किंग कीजिए, हाई ग्राफिक्स कुछ कीजिए, आपको बैटरी की कोई जितना भी कंजम्पशन हो बैटरी का, ये आपको भरपूर बैटरी सपोर्ट दे देगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपको क्विक चार्जिंग जो मिलता है, फास्ट चार्जिंग जो मिलता है, इसका जो स्टैंड पॉइंट रखा गया वो है कि 50% हो जाता है सिर्फ 30 मिनट चार्जिंग पे। तो बहुत ही अच्छी बैटरी से इम्प्रूवमेंट की गई है, एप्पल में पहले भी था, यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है। इसके साथ साथ जो फेस आईडी का अनलॉक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्पल के जो प्रीवियस वर्जन्स थे उससे
इस वर्जन में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। जो अनलॉक टाइम था और फेस कैप्चरिंग का टाइम था वो बहुत घटा दिया गया है और इसमें बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देखा गया है इस फोन से। फोन रन करता है दोस्तों iOS 12.0 में, जहां पर आपको कुछ क्लीन इंटरफेस मिलते हैं इस फोन को जब यूज करेंगे, और बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी को इंक्लूड किया गया है इस फोन के लॉन्च होने में। तो देखते हैं ये फोन जब हमारे यूजर्स के हाथ में आते हैं तो वो कैसे इस फोन को लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। जिसका प्राइस रखा गया है समथिंग 143,000 इस तरीके के कुछ प्राइस रखा गया है। मुझे प्राइस के बारे में अभी तो कुछ श्योर पता नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं नेट पर जाकर। लेकिन ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, इस रिव्यू यहाँ पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।